कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियां लांग कर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। बता दें पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरवी भगवान, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जल्लापा देवी की भी पूजा की जाती है। आल्हा और उदल करते हैं सबसे पहले माँ के दर्शन। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार आल्हा उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। उसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। आपको बता दें कि इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से इतिहास में मिलता है। सन 1918 में यह मंदिर छोटा सा था। मंदिर में आने जाने के लिए पहाड़ी में दुर्गम रास्ते पार करना होता था। सन 1951 में इस मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण हुआ और श्रद्धालु भक्त माँ के मंदिर में सीढ़ियों से आने जाने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे चैत्र गुरुवार की नवरात्रि में मेला लगने लगा। प्रतिवर्ष नवरात्रि मेले में लाखों श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सतना से विजय चौरसिया की रिपोर्ट।